हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पिंटरेस्ट के अंदर वीडियो कैसे अपलोड करें। काफी सिंपल है एंड इजी है। मैं आपको कम टाइम के अंदर बता दूंगा कि हाउ टू अपलोड वीडियोस इन पिंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है गाइस, यदि प्ले स्टोर पे से जाके आपने इसको अपडेट नहीं किया है तो आप इसको अपडेट कर लेना, क्योंकि इसीलिए आपका और मेरा इंटरफेस सेम आएगा। ठीक है गाइस, पिंटरेस्ट के अंदर वीडियो अपलोड करना काफी इजी है, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, नीचे की साइड आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो तीन ही ऑप्शन आपके लिए जरूरी है जब भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो इसीलिए तीनों को हम जान लेते हैं। देखिए, बोर्ड का ऑप्शन होता है, बोर्ड वाला ऑप्शन ये होता है कि जब भी आप फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हो पिंटरेस्ट के अंदर, तो आपको एक कवर चाहिए होता है। लाइक आप जैसे ड्रेस के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हो, शायरी के रिलेटेड कर रहे हो, तो आपको यहाँ शायरी लिख देना है। ठीक है, शायरी लिख दिया मैंने, ये एक कवर हो जाता है। जैसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होता है जिसके अंदर हम वीडियो डालते हैं, मतलब इस कैटेगरी के अंदर ये वीडियो आएगी आपको, मतलब दिखाई देगी या फोटो दिखाई देगी। तो शायरी लिखने के बाद ये डन पे आप टैप कर देना। यहाँ पे एक कॉलम बन चुका है शायरी वाला, ये देखिए। अब आने वाले टाइम में अगर आप शायरियों के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो या फोटो अपलोड करते हो, तो आपको ये चूज करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि सामने वाले जो व्यूअर्स होंगे उसको ये वाला कॉलम, मतलब ये जब ये सर्च करेंगे तो आपकी शायरी आएगी इसमें। ठीक है, चलिए गाइस फिर हम जान लेते हैं बीच वाला पिन वाला ऑप्शन। यहां से आप फोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से चूज करके कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हो। फिर आप यहां पे टाइटल भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, मतलब ये कि जो भी आपने फोटो अपलोड किया उसके रिलेटेड। फिर यहां पे ऐड वेबसाइट, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आप यहां पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्शन लिखना है जिससे लोगों को समझ में आ सके कि आपने अंदर क्या लिखा है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करोगे और यहाँ पे ये देखिए, जो अपनों ने बोर्ड क्रिएट किया था वो बोर्ड यहाँ पे आ चुका है शायरी। तो आप चूज करके इसको जैसे ही मतलब टैप करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब फाइनली हमको करना है वीडियो को अपलोड। तो आपको वीडियो के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, फिर हम इस पर टैप करते हैं। जो भी आपको वीडियो लेना है आप यहां से चूज करके ले लेना और नेक्स्ट पे टैप करना। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद आप यहां से वीडियो एडिट भी कर सकते हो, आप यहां पे कुछ लिख सकते हो, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, काफ़ी सारे म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉ भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको जो करना है वो कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट पे टैप करना वीडियो अपलोड करने के लिए पिंटरेस्ट पे। और गाइस एक और फ्यूचर्स बता दूं मैं कि यहाँ पे कवर का एडिट कवर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे कवर पिक भी चूज कर सकते हो और डन पे टैप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने जो भी वीडियो डाली है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शायरी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब जो भी आपने पिक क्रिएट की है, मतलब डाली है उसके रिलेटेड, तो आप कुछ भी लिख देना यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है ऐड ए लिंक। इसका मतलब यह है कि आपकी कोई भी वेबसाइट है या फिर आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, तो आप यहाँ पे यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो डाली हो तो आप उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाली हो तो। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब पी के बोर्ड, अब अपनों ने फर्स्ट में जो बोर्ड क्रिएट किया था वो आपको पिक कर लेना है, मैंने शायरी वाला ले लिया है। ठीक है गाइस, अब सेकेंड ऑप्शन है टैग ए रिलेटेड टॉपिक्स, आपका जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको टैग चूज करना है। तो मैं लाइन जैसे लिखता हूँ तो मैं कोई भी टॉपिक चेंज करता हूँ, आप टैग लगा सकते हो यहाँ पे, जिससे कि क्या होगा कि आपको आसानी होगी किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करने का। जैसे ही आप चूज कर लोगे फिर डन पे टैप करना, बैक आ जाना, आपके टैग्स जो है वो सेव हो चुके, जिससे कि क्या होगा कि आपकी वीडियो और फोटोज वायरल होने के चांसेस रहेंगे। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आप टैग सिलेक्ट कर लेना। ठीक है गाइस, और लास्ट में आता है एडवांस सेटिंग्स। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आपको
अलाउ कमेंट्स, कमेंट्स अगर आपको अलाउ करने हैं तो इसको ऑन कर देना, अगर नहीं करने आपके पोस्ट पे तो इसको बंद कर देना, ठीक है गाइस। सेकेंड वाला ऑप्शन है आपके इतना काम का नहीं, ये शॉपिंग के रिलेटेड है। अगर शॉपिंग के रिलेटेड आप वीडियो डालते हो तो कमेंट्स जरूर करना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। फिर आप जैसे ही पब्लिश करोगे तो ये वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है गाइस, ये देखे शायरी में मैंने डाली थी, ये अपलोड हो रही है और ये अपलोड हो चुकी है, ये देखिए मैंने लाइव आपको अपलोड करके बता दिया है पिंटरेस्ट के अंदर। अगर आपको ये दी गई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।